हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेट फॉर यू में। तो जब भी हम लोग कुछ कोई चीज़ डिज़ाइन करने जाते हैं तो हम पहले उसका मॉडल बनाते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं कि हम लोगों को समझा सकें, जो टेक्निकल चीज़ें नहीं समझते हैं उन्हें भी समझा सकें। मतलब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि एक सिविल इंजीनियर एक मकान बनाने, एक घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, एक मॉडल बनाता है, जनरली चार्ट पे बनाता है, पेपर पे बनाता है, और वो समझाता है जिन जो घर बनवा रहे हैं ऑनर को कि घर आपका ऐसा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जनरली कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करने जा रहे हो तो वो वेरियस मॉडल्स उसमें होते हैं, काफ़ी मॉडल्स होते हैं। जैसे एक होता है कि आपको घर बनाना है, घर बनाने से पहले आपको वो मॉडल बना के दिखाना होता है कि हाँ आपका घर का नक्शा ऐसा है, आप ऐसा 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 घर बनेगा, फ्रंट व्यू ये है, फ्रंट व्यू बैक व्यू ये होगा, अपर व्यू ये होगा, ऐसे आपको मॉडल बना के समझाना होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो ब्लूप्रिंट बनाते हो, नक्शा बनाते हो घर का, तो जो चार्ट पे बनाते हो उसमें काफ़ी टेक्निकलिटी होती है, टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो सिविल इंजीनियर समझ सकता है, बट आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप सिविल इंजीनियर आपने नहीं की, सिविल इंजीनियरिंग नहीं की है आपने, वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं। उसके लिए फिर सिविल इंजीनियर क्या करते हैं कि छोटा सा घर का मॉडल बनाते हैं, मे बी वो लकड़ी का बना देते हैं या छोटा सा ईंट और बालू से जोड़ के एक छोटा सा घर बना देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये ऐसा बनेगा, तो वो एक मॉडल हो गया। तो वेरियस टाइप के मॉडल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पर समझाऊँ तो हमारा चार्ट, मान एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट पे बनाते हैं सिविल इंजीनियर कि आपका घर कैसा बनेगा। चार्ट पे बनाने के बाद एक्चुअल जो आपका हाउस होता है वो बनता है, एक्चुअल जो हाउस होता है वो बन जाता है। इन दोनों चार्ट में भी कभी कभी इतनी टेक्निकलिटी होती है ना कि कभी कभी क्या हमेशा इतनी कभी टेक्निकलिटी होती है ना कि वो सिविल इंजीनियर टू सिविल इंजीनियर समझ सकता है, वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें सिविल इंजीनियरिंग की। तो ऑनर को समझाने के लिए, जो ऑनर इतना समझने में काबिल नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो ऑनर को समझाने के लिए वो एक ऐसा ही एक ईंटा पत्थर का या एक घर बना देता है, या फिर समझ लें कि लकड़ी का एक ढांचा बनाकर, एक मॉडल बनाकर समझा देता है। तो सारे वेरियस मॉडल ही हैं, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है, और हमारा एक्चुअल जो घर बना है वो तो मॉडल, वो भी मॉडल है। तो अगर वही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम घर बनाते हैं तो वेरियस मॉडल से हमारा घर होकर गुजरता है, सेम हमारा सॉफ्टवेयर जो हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर भी वेरियस मॉडल से होकर गुजरता है। और सॉफ्टवेयर की तरह ही जब हम सॉफ्टवेयर का डाटा बेस बनाते हैं तो डाटा बेस में भी वेरियस मॉडल्स होते हैं, उसको भी वेरियस मॉडल से होकर गुजरना होता है। जैसे यहाँ आप देखें, जो हम लोगों ने चार्ट से पहले एक मॉडल बनाया समझाने के लिए ऑनर को कि आपका घर ऐसा बनेगा, क्योंकि वो चार्ट समझने के लिए वो कैपेबल नहीं है, तो इस टाइप के मॉडल को हम लोग कहते हैं हाई लेवल मॉडल और कॉन्सेप्चुअल व्यू मॉडल, व्यू या मॉडल। ठीक है, और जब हम लोग चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं कि हम लोगों को, हम लोग बताते हैं इंजीनियर अपने समझने के लिए या उसके को वर्कर को समझने के लिए एक चार्ट बनाता है और उसके अकॉर्डिंग वो घर बनाता है, उसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती है चार्ट में, तो उसको हम लोग, उस मॉडल को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल और इम्प्लीमेंटेशन व्यू या मॉडल। और एक्चुअल में जो हमारा हाउस बनता है उसको हम लोग कहते हैं लो लेवल और फिजिकल डेटाबेस। इसी तरह सेम हमारे डेटाबेस को, जब हम डेटाबेस भी डिज़ाइन करते हैं, जो हमारा डेटाबेस डिज़ाइनर होता है वो जब डिज़ाइन करता है तो वो पहले हाई लेवल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यू बनाता है कि वो कस्टमर को समझा सके। जब आप लोग कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, मान लीजिए आप लोग एक हॉस्टल, ये मान लीजिए एक एम्प्लॉय का आप लोग डेटा रखने का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, तो कंपनी को, ऑनर को आप अगर एसक्यूएल में समझाने लगोगे तो उसको समझ में कुछ नहीं आएगा कि एसक्यूएल क्या होता है। तो को समझाने के लिए आप लोग, आप ऐसी चीज़ें बनाओगे, मान लो आप एक डेटाबेस डिज़ाइनर हो तो आप ऐसी चीज़ें इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करोगे कि उस ऑनर को, कंपनी के मालिक को जो आपसे एक सॉफ्टवेयर बना रहा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, उसको समझाने के लिए आप एक ऐसा डायग्राम बनाओगे, एक ऐसा मॉडल बनाओगे जो उसको समझ में आ जाए, जिसको हम लोग
हाई लेवल और कंस्ट्रक्शनल व्यू कहते हैं। सेम चीज आप मकान से, मकान वाले मॉडल से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, जिसमें वेरियस टाइप के मॉडल्स होते हैं डेटाबेस में, वेरियस टाइप के मॉडल्स होते हैं। इसमें से सबसे पॉपुलर हम लोगों को पढ़ना होता है जो हमारे सिलेबस में है, ई आर डायग्राम क्या होता है हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसमें हम लोग डायग्राम के द्वारा अपन जो हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं उसके मुताबिक हम कस्टमर को यह समझाते हैं कि हमारा डाटाबेस ऐसा बनेगा, कुछ कुछ डायग्राम के द्वारा, जिसमें एंटिटी होता है, उसका एट्रीब्यूट होता है, और उसमें उनके बीच में रिलेशनशिप दिखा के हम लोग दिखाते हैं कि ऐसा आपके डाटाबेस में ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये हमारा हाई लेवल व्यू हो गया। फिर होता है हमारा रिप्रेजेंटेशनल और इम्प्लीमेंटेशन व्यू। इसमें हम लोग अपने जैसा डेटाबेस का ये बनाते हैं रिलेशंस मतलब टेबल। ये हम लोग मतलब आप हम लोग मैं बार बार बोल रहा हूँ मतलब ये कि आप समझ लो आप डेटाबेस डिज़ाइनर हो, आप डेटाबेस बनाते हो, तो डेटाबेस डिज़ाइनर इसको खुद के लिए बनाता है। ये पहले अपना एक ये मॉडल तैयार कर लेता है, इसके अकॉर्डिंग वो सारा डेटाबेस बनाता है ये खुद के लिए। इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि हमारा यूज़र नहीं समझ पाएगा, इसलिए हम ईआर बनाते हैं। बट ईआर बनाने के बाद हम लोगों को अब हम लोगों का मेन एक्चुअल डेटाबेस बनाना है, उस डेटाबेस को बनाने के लिए हम लोग रिलेशंस बनाते हैं। तो मैंने सिलेबस में बताया भी था कि ईआर डायग्राम को हम लोग रिलेशंस में कन्वर्ट करेंगे। रिलेशंस मतलब क्या? टेबल हम लोग टेबल में कन्वर्ट करेंगे और उसके ज़रिए हम लोग अपना एक्चुअल डेटाबेस बनाते हैं, मतलब लो लेवल और फिजिकल डेटा मॉडल ये बनाते हैं। इसका ये मतलब, इस मॉडल का ये मतलब है कि हम लोग हार्ड डिस्क में अपने कैसे हम लोग स्टोर करेंगे डेटाबेस को, एक्चुअल डेटाबेस को, ठीक है। तो डेटाबेस बनाने के लिए तीन लेवल होते हैं, तीन मॉडल समझ गए आप लोग कौन कौन मॉडल होता है। एक हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल मॉडल या व्यू जो ईयर डायग्राम होता है, एक रिप्रेजेंटेशनल और इम्प्लीमेंटेशनल व्यू जो रिलेशंस होता है, रिलेशन मतलब टेबल्स के फॉर्म में हम लोग डाटाबेस लिखते हैं, और एक होता है हमारा लो लेवल और फिजिकल डाटा मॉडल जो एक्चुअली में हम लोग डाटाबेस क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो अब हम लोग इसको हम लोगों के सिलेबस में ईआर डायग्राम है, ईआर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं गेट में, तो हम लोग अब ईआर डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।